Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Namaste friend, welcome to my channel Catch Audic Mom Lifestyle में. दोस्तों आज कुछ किचन टिप्स आप लोगों से शेयर करूँगी. उसके साथ कुछ मेरा कार्डबोर्ड बॉक्स जो फेंकने लायक था उसको मैंने काम कैसे लगाया, काम पे कैसे लगाया वो भी आपको दिखाना है. कुछ अपने चीज़ों जो घर में ही पड़े हुए थे उसको इस्तेमाल करके मैंने इसको थोड़ा डेकोर कर दिया था, तो अच्छा भी लग रहा था. आप भी देख सकते हैं कैसे मैंने ये बनाया है. और उसके साथ किचन का कुछ टिप्स है जो आप लोगों को बहुत काम पे आएगा, हेल्पफुल भी होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जो है पहला है जो कार्टून बॉक्स, देखिए ये सब परचेस किया हुआ जो बॉक्स आते हैं उसी में सामान जो आते हैं उसी में ये सब बॉक्स निकला हुआ है. तो इसको थोड़ा सा मैं DIY कर रही हूँ. जूट अभी ट्रेंड में चल रहा है तो जूट का जो है वही मेरे घर में, जूट का जो रस्सी वगैरह वो मेरे घर में थोड़ा बहुत था तो मैंने सोचा इसी से चलो इसी को काम पे लगा देते. खरीदना तो कुछ नहीं है, घर में ही सब था. कंप्लीट हो गया ये वाला बॉक्स जो बहुत सुंदर भी बना है और मुझे भी बहुत पसंद है और जो देख रहे हैं उसको भी बहुत पसंद आया. घर में सभी बोल रहे बहुत अच्छा बना है तो माइंड भी हैप्पी हो जाता है. दोस्तों एक बात जो है, हम लोग हर चीज़ रिसाइकिल कर देते हैं, फेंक देते हैं, कभी आप इधर उधर देखेंगे ना तो यही चीज़ आपकी यूज़फुल लग जाएंगे. तो थोड़ा बहुत फेंकने से पहले देख लीजिएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर हो सकता है फिट, क्योंकि मैं कभी कभी ये फॉलो ज़रूर करती हूँ. क्योंकि मेरा जो रैपर पेपर है, जो मेरा गिफ्ट पेपर है, वो भी कोई मुझे गिफ्ट देता हो पेपर में मैं रख देती हूँ, कोई कुछ ना कुछ काम में मुझे मेरा जो है वो लग जाता है. तो ऐसे ही कुछ छोटा मोटा चीज़ हम लोग लेडीज़ लोगों को ख्याल रखना पड़ता है. तो इससे क्या होता है, पैसा भी बच जाता है और देखने में भी बहुत सारी चीज़ जो है आपने बनाया हुआ चीज़ अच्छा लगता है. छोटा वाला जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसमें मैंने वाटर बोतल सारे रख दिया, क्योंकि बोतल कभी कभी ना इधर उधर हो जाते हैं. तो छोटा बच्चा मेरे घर में और उसके साथ बगल में ही मैंने उस बड़ा वाला जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसमें रख दिया स्नैक्स वगैरह. देखने में भी अच्छा लग रहा है और जो छोटा वाला डाइनिंग मेरा है टेबल वो कवर भी बहुत अच्छी तरह से हो गया. तो फिर बाहर जब भी जाते हैं अगर आप लोग कैरी बैग वगैरह यूज़ करते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए. लेकिन अभी ना फिलहाल ऐसा बैग हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, मुझे लगता है सभी जगह दे रहे हैं. तो मैंने क्या किया, ये बैग को दूसरे तरीके से यूज़ किया. आपको बहुत पसंद आएगा ये ट्रिक्स, आप ज़रूर देखिएगा. ये ट्रिक्स मेरा नंबर वन ट्रिक्स है. तो इस पहले मैंने क्या किया, पूरा कट कर लिया हैंडल वगैरह को. अभी देखिए इसको मैं क्या करती हूँ. दोस्तों मैंने क्या किया, इसका थोड़ा जो है स्क्वायर स्क्वायर करके इसका कटिंग कर लिया. और ये बहुत काम आता है कब, जब आप गरम मसाला वगैरह खड़े मसाला जब खाने में देते हैं और जब पोटली बनाते हैं, तो ये आप लोगों को बहुत यूज़फुल लगेगा ये वाला ट्रिक. और दूसरा है, चलिए आप लोग तो चीज़ अभी तो सब लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं. पहले हम लोग ऐसे चीज़ वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते थे, बट अभी यूज़ करते हैं. लेकिन इतना कॉस्टली है सब चीज़, तो हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है ख़राब कोई चीज़ ना हो. तो दोस्तों अगर चीज़ आपका रह जाए तो स्लाइस चीज़ छोड़कर, क्योंकि वो तो पैकेट में ही रहता है फिलहाल, तो ये वाला चीज़ जो है प्रोसेस चीज़ जो है, इसको थोड़ा पानी में नमक मिला लीजिए, किसी भी कंटेनर में लीजिए, कांच वाला, प्लास्टिक वाला, स्टील वाला, उसमें डाल दीजिए
एक चीज़ आपका कुछ ख़राब नहीं होगा, बहुत दिनों तक आपका चीज़ अच्छे भी रहेंगे। तो इसको रख दीजिए फ्रिज में, जो आप लोगों को किचन में बहुत काम आने वाली है ये वाला ट्रिक। अभी नंबर 3 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताते हैं। देखिए जल्दी जल्दी हम लोग हर कोई रहते हैं खाना जल्दी जल्दी पकाने के लिए, तो क्या करती हूँ यहाँ पर मूंग दाल में थोड़ा रोस्ट करके रख देती हूँ कि जब भी मुझे खाना पकाना होता है सिर्फ निकालती हूँ, धोती हूँ और पका लेती हूँ। क्योंकि आप जानते हैं मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, तो मुझे हर टाइम थोड़ा टाइम को बचाना पड़ता है, तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ये सब करके रख देती हूँ। तो ये वाला टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए इसके नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट है ये जिंजर को लेके। जिंजर जो है हम लोग अभी फ्रोज़न करके रखते हैं, सभी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी में हम लोगों को रहना खाना बनाना होता है सभी को। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ से, मुझे लगता है जब फ्रोज़न ही अगर करना है तो दुकान से क्यों नहीं लाना है फ्रोज़न चीज़ें। तो जो भी हमें 2-3 दिन से ज़्यादा कुछ भी फ्रोज़न रख मैं अपनी फ्रिज में रखती भी नहीं हूँ। तो अभी जो है जिंजर का जो है मैं छिलका, इसको अभी छिलका जो है सारी उतार लेती हूँ नाइफ से। उसके बाद यही वाला जिंजर मैं किसी कंटेनर में रख दूँगी फ्रिज में, तो इससे क्या होगा मेरा जो छिलका भी है वो भी यूज़ हो जाएगा और जिंजर जो फ्रेश रहेंगे। तो इससे ख़राब भी नहीं होगा जिंजर और आपका फ्रेश भी रहेगा जिंजर। और आप जब भी खाना पकाएंगे निकाल के पेस्ट करके पका सकते हैं, फ्रोजन रहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी जिंजर भी काम आएगा पूरा और उसका छिलका भी काम आएगा। तो उससे ये वाला ट्रिक ज़रूर आप अपने किचन में यूज़ कीजिएगा, इससे आपका हेल्थ इशू भी रहता है क्योंकि फ्रोजन चीज़ें खाना हम लोगों को नहीं चाहिए। अगर बच्चा होगा घर में तो उससे तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ होना चाहिए। तो इसलिए फ्रेश चीज़ें ही हम लोग यूज़ करना चाहते हैं सभी और यही करेंगे। और जो जिंजर का छिलका है उसको आप धूप में सुखा लीजिए और जब भी आप चाय बनाएंगे तो उसमें वो छिलका दे दीजिएगा, आपका जिंजर का काम कर देंगे। तो दोस्तों आज का टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।